पीएम नरेंद्र मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। सुधीर चौधरी जी ने जब ऐसा विश्लेषण किया, तगड़ा बैकलैश सोशल मीडिया पे आज तक मिल रहा है, सर चकरा रहे हैं। दूसरा, अखिलेश यादव ने बाईपोल इलेक्शन में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दी, क्या वजह है? महाराष्ट्र चुनाव तो नहीं, एनालिसिस करते हैं। सुधीर चौधरी ने क्या बोला ये सुनिए। आप ये दो तस्वीरें देखिए जिनसे आप भारत और चीन की मौजूदा स्थिति को समझ सकते हैं। एक तस्वीर है 74 वर्ष के प्रधानमंत्री मोदी की, जो पूरे उत्साह के साथ बिना किसी सहारे के तेजी से अपने विमान की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं, और दूसरी तस्वीर उनसे 3 साल छोटे 71 वर्ष के चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की है, जिन्हें अपने विमान से नीचे उतरने के लिए सीढ़ियों पर लगे हैंडल्स का सहारा लेना पड़ रहा है। धीरे धीरे वो नीचे उतर रहे हैं, और इन दोनों तस्वीरों में आज आपको भारत और चीन की मौजूदा स्थिति भी नजर आएगी। जरा देखिए, देखिए श्री सुधीर चौधरी जी के लॉजिक के हिसाब से चलें तो 36 साल के प्रेसिडेंट वाला बुर्किना फासी दुनिया का सबसे ताकतवर देश होगा, और 81 साल के प्रेसिडेंट वाले अमेरिका सबसे कमजोर देश होगा। सीडी पकड़ने ना पकड़ने से देश की हालत तय हो रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया और आईटी सेल में कोई फर्क बचा ही नहीं, ऐसा ट्वीट किया गया इन मैडम के द्वारा। सहमत है नहीं है मुझे बताइए। देखिए, अब मैं ब्रिक्स सम्मेलन की बात करता हूं। रशिया के कजान में ब्रिक्स सम्मेलन शुरू होने से ठीक पहले भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये ऐलान किया था कि भारत और चाइना चीन पूर्वी लद्दाख में वास्तविक जो नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर गश्त के पैटर्न को लेकर के एक समझौता करेंगे। अब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कहा कि भारत चीन सीमा के इस हिस्से में गश्त का जो पैटर्न है ना, जो अप्रैल 2020 की स्थिति में है, वहां लौट आएंगे। अब सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं जब कोई घुसा ही नहीं तो जाएगा कैसे, आपने भी माना ही नहीं, तो सब बात चल रही। खैर, इस पे बात नहीं करेंगे। अब ये सब जो हुआ है तो इसको देख के ऐसा लगता है कि सीमा पर भारत और चाइना के बीच जो रिश्ते हैं अब सामान्य हो जाएंगे। लेकिन भारत और चाइना के रिश्ते को लेकर अच्छी तरह जो समझ रखते हैं वो जो विशेषज्ञ हैं, उन्होंने इस पे शक जताया। ये रिपोर्ट का मैं जो आपको बता रहा हूं, BBC की रिपोर्ट है। एक्सपर्ट्स ने क्या बोला मैं आपके सामने रखता हूं। एक ब्रह्मा चेलानी और सुशांत सिंह जैसे सामरिक मामलों में विशेषज्ञों ने भारत और चाइना की हाल में हुए समझौते पर गहरी चिंता और संदेह व्यक्त किया है। ब्रह्मा चेलानी ने इस बात पर जोर दिया कि हाल के घटनाक्रमों से यह संकेत मिलता है कि भारत और चाइना के रिश्तों में थोड़ी बर्फ पिघलने की उम्मीद है, लेकिन सीमा विवाद को लेकर दोनों देशों का जो दृष्टिकोण है अभी भी काफी अलग अलग है। उनका ये कहना है कि दोनों देशों की सेनाओं के बीच डिसएंगेजमेंट की जो प्रक्रिया है वो तो शुरू हो सकती है, लेकिन ये एक लंबी और एक कठिन प्रक्रिया होने जा रही है। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि भारतीय विदेश मंत्री का 21 अक्टूबर का बयान, जिसमें उन्होंने ये कहा कि दोनों देशों की सेनाएं 2020 की स्थिति में लौटने के लिए तैयार हैं। ये जो बयान था जल्दबाजी में दिया गया था। चेलानी के अनुसार दोनों देशों के बीच डिसएंगेजमेंट पर अभी भी बातचीत चल रही है, लेकिन 2020 से पहले की स्थिति बहाल होना मुश्किल दिखता है। चाइना की ओर से गुप्त रूप से किए गए अतिक्रमण के बाद स्थिति अब पहले जैसी नहीं रही है। वहीं दूसरे विशेषज्ञ सुशांत सिंह, जो कि येल यूनिवर्सिटी के लेक्चरर हैं और रक्षा मामलों में काफी जानकारी रखते हैं, उन्होंने इस समझौते पर और भी गहरे सवाल उठाए हैं। उन्होंने इसे हेडलाइन मैनेजमेंट का हिस्सा करार दिया और कहा कि देखो, डेपसांग क्षेत्र में पेट्रोलिंग को लेकर के चीन से क्या बातचीत हुई, ये बिल्कुल साफ नहीं है। इसके अलावा चीन को इस समझौते के बदले में क्या हासिल हुआ, वो भी जानकारी स्पष्ट नहीं है। सुशांत का ये मानना है कि पूर्वी लद्दाख में तनाव कम करने और सैनिकों की तैनाती रोकने को लेकर कोई स्पष्ट कदम नहीं उठाए गए हैं। सुशांत सिंह ने आगे ये भी कहा कि भारत की सेना के जो अधिकार पूर्वी लद्दाख में पूरी तरह से बहाल भी नहीं हुए हैं। गलवान, गोगरा, पेंगोंग के नॉर्थ ब्लॉक और कैलाश रेंज में बफर जोन अभी भी बरकरार है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि पूर्वी लद्दाख में भारत सैनिकों के अधिकार पूरी तरह से बहाल नहीं हो पाए हैं। कंवल सिब्बल, जो भारत के पूर्व विदेश सचिव और कई देशों में भारत के राजदूत रह चुके हैं, उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात एक अहम कदम है, लेकिन इससे ये उम्मीद नहीं की जानी चाहिए कि सभी विवाद जो है वो सुलझ जाएंगे। उन्होंने जोर देकर के ये कहा कि सीमा पर डिसएंगेजमेंट के बाद ही तनाव कम करने और ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। गौतम बमबावले, जो कि चीन में भारत के राजदूत रह चुके हैं, उन्होंने इस समझौते पर यह लिखा कि भारत और चाइना के बीच विश्वास की कमी पिछले 4 वर्षों में और ज्यादा गहरा गई है। उन्होंने ये भी चेताया कि चीन के साथ भविष्य में बातचीत करते समय भारत को बेहद सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। ये जो विशेषज्ञ थे चार, इन सब विशेषज्ञों की बातों पर आप सहमत हैं नहीं है वो अलग विषय है, लेकिन इन सभी विशेषज्ञ इस बात पर जरूर सहमत हैं कि चीन के साथ भारत के संबंधों में सुधार की प्रक्रिया लंबी
थकाऊ और कठिन होने जा रही है और बिना पूरी तरह से सावधानी बरते किसी भी फैसले से दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ सकता है, ये बात है। अब मेन स्ट्रीम मीडिया क्या बोल रहा है वो एक तरफा दिखाएगा, मुझे उसको कोई मतलब नहीं। एक एनालिसिस का एक ये भी पहलू है, ये भी मैं आपको बताना चाहता था। खैर, दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। अखिलेश यादव मतलब कांग्रेस को साइडलाइन कर दिया, कांग्रेस को भाव नहीं दे रहे, अब गठबंधन टूटने वाला, ये सारी बातें चल रही हैं। अखिलेश यादव के सामने कांग्रेस ने सरेंडर क्यों किया, क्या दूरगामी सोच है या नहीं, ये समझ लीजिए। देखो, उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव बाइपोल इलेक्शन को लेकर बड़ी जो एक तस्वीर है वो साफ हो गई है। कांग्रेस ने विधानसभा उपचुनाव में अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 2 सीटें गठबंधन के तहत ऑफर की थी, लेकिन कांग्रेस बोल रही है कि 2 सीटों से काम नहीं चलेगा, कम से कम 5 चाहिए। कांग्रेस का जो प्रदेश नेतृत्व लगातार 5 सीटों की डिमांड कर रहा था, लेकिन अखिलेश यादव इसके लिए तैयार नहीं हुए। इसके बाद कांग्रेस ने चुनाव से हटने का संकेत दे दिया। देखो, प्रदेश के राजनीतिक मैदान में इसका गलत संदेश ना जाए, इसको लेके अखिलेश यादव ने राहुल गांधी से चर्चा तक कर ली, लेकिन कांग्रेस 3 सीटों पर भी तैयार नहीं हुई, बोले 5 सीट कम से कम चाहिए। वजह क्या है? देखो, महाराष्ट्र में इस समय विधानसभा चुनाव की जो राजनीति है काफी ज्यादा गर्माई हुई है। विपक्षी जो गठबंधन है वो महाविकास अघाड़ी में सीटों के बंटवारे पर आखिर समय में सहमति बन जाती है। अखिलेश यादव वहां पर कह रहे थे कि कम से कम हमें उनको 12 सीटें देनी चाहिए। 12 सीटों की मांग जब उनकी नहीं मानी गई तो मामला थोड़ा गंभीर होता दिखाई दिया। हालांकि एमवीए की ओर से उन्हें 3 से 4 सीटें मिलने का अनुमान था। हालांकि अखिलेश ने पहले ही महाराष्ट्र में 5 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। ऐसे में कांग्रेस यूपी में सपा का फॉर्मूला महाराष्ट्र में लागू कर सकती है। सपा की जो सीटें हैं उसको लेकर के कांग्रेस का ऐलान, हालांकि जो हरियाणा का जो हार मिली है कांग्रेस को, वो उससे कांग्रेस थोड़ा सा ना बैकफुट पर है, एक सदमे में है, कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव ने कांग्रेस के लिए गाजियाबाद सदर और खैर विधानसभा सीट छोड़ दी थी, अमूमन ये बीजेपी की सीटें मानी जाती हैं, तो कांग्रेस की पार्टी ने बोला नहीं चाहिए, दोनों सीटों पर उनके उम्मीदवारों का जीतना वैसे ही मुश्किल है, इन दोनों सीटों को भाजपा के गढ़ के रूप में माना जाता है। ऐसे में कांग्रेस ने यहाँ कदम पीछे खींच करके अखिलेश यादव की चुनौती थोड़ी बढ़ा दी है, लेकिन एक संदेश, एक जो एक दूरगामी संदेश है वो देने की कोशिश की है। मानस या ये माना जा रहा है कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव में अधिक सीटों की डिमांड कर सकती है, जिसको नजरअंदाज अखिलेश यादव को करना मुश्किल हो जाएगा। क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएगा उपचुनाव में क्या होने वाला है। वायनाड से प्रियंका गांधी लड़ रही हैं, उसका विश्लेषण मैं अगली वीडियो में करूंगा। कैसे देखते हैं बायपोल इलेक्शन को, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। इस वीडियो को 3 WhatsApp ग्रुप में शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते, नमस्कार। आप ये 2 तस्वीरें देखिए जिनसे आप भारत और चीन की मौजूदा स्थिति को समझ सकते हैं। एक तस्वीर है 74 वर्ष के प्रधानमंत्री मोदी की, जो पूरे उत्साह के साथ बिना किसी सहारे के तेजी से अपने विमान की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं, और दूसरी तस्वीर उनसे 3 साल छोटे 71 वर्ष के चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की है, जिन्हें अपने विमान से नीचे उतरने के लिए सीढ़ियों पर लगे हैंडल्स का सहारा लेना पड़ रहा है।